वेलकम टू नई सुबह कहानी घर, कहानी घर नई सुबह टेल्स प्रोड्यूस बाय अनम तारिक, वॉइस ओवर बाय रहीमा। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रहीमा और आज की कहानी का नाम है शेर की खाल में गधा। अब शेर की खाल में गधा कैसे हो सकता है, तो चलिए जानते हैं हम आज की कहानी से। एक गधा जंगल में फिर रहा था। इसने जमीन में पड़ी शेर की खाल देखी। गधा बहुत खुश हुआ। इसने सोचा, वाह क्या चीज मिली है, इसे पहन लेना चाहिए। सब मुझसे डरेंगे और मैं जहाँ चाहूँगा घूमता फिरूँगा। ये सोचकर गधे ने खाल पहन ली और जंगल में इधर उधर घूमने लगा। जानवर इसे दूर से ही देखकर भाग जाते और कहते, शेर आ गया, शेर आ गया। लोमड़ी होती तो बहुत होशियार है, मगर वो भी धोखे में आ गई और भाग निकली। ये देखकर गधा बहुत खुश हुआ और दिल में कहने लगा, सबको खूब उल्लू बनाया, ये तो मुझे ऐसे ही बेवकूफ समझते रहे। गधा बहुत खुश था और गधा चुप न रह सका इस खुशी से और जोर जोर से अपनी आवाज में हंसने लगा। सबसे पहले ये आवाज लोमड़ी ने सुनी और जान गई, हूँ ना हूँ, ये गधा ही है। और लोमड़ी दौड़ के गधे के पास पहुंची। अब गधे को क्या पता कि मेरा राज लोमड़ी को पता चल गया है। और गधा तेज आवाज में बोला, अरे लोमड़ी, देखती नहीं मैं शेर हूँ। लोमड़ी ने जवाब दिया, अरे गधे, तू सच में गधा है। अगर शेर ही बनना था तो चुप रहता, तुम्हारी आवाज ने सबको बता दिया कि तुम शेर नहीं गधे हो। गधे का झूठ सबके सामने आ चुका था और अब वो अपने झूठ पर बहुत शर्मिंदगी का सामना कर रहा था।